ज्ञान को सीखना एक बहुत ही रोचक अनुभव है। ये और अधिक रोचक हो जाता है जब विज्ञान के प्रयोग में आने वाली सभी सामग्री हमारे आसपास ही उपलब्ध हों। गुब्बारे, शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसने गुब्बारों के साथ खेला ना हो। हम गुब्बारों के साथ विज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके सिद्धांतों को भी जान सकते हैं। तो आइए इसे जानने और समझने के लिए मिलते हैं श्री प्रेमचंद शर्मा जी से, जो कि केंद्रीय विद्यालय देहरादून में अध्यापक हैं। नमस्कार प्रेमचंद जी। नमस्कार कवि। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास ही विभिन्न तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज आप इन गुब्बारों के साथ क्या करने जा रहे हैं? आज मैं इन गुब्बारों के साथ बहुत ही सरल प्रयोग करने जा रहा हूँ, जिनकी सहायता से हम विज्ञान के बहुत से सिद्धांत सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन हम गुब्बारों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि गुब्बारे सभी स्थान पर आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत सस्ते भी होते हैं जी, तो इसलिए इनसे प्रयोग किए गए हैं। तो आज हम कौन सा प्रयोग करने वाले हैं? सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ इस तथ्य को कि हवा स्थान घेरती है जी। इस प्रयोग में एक प्लास्टिक की नली लीजिए, जहाँ पर मैंने ये एक स्केच पेन का खोल लिया है जी। एक गुब्बारा लीजिए जी, और गुब्बारे को इस नली के एक सिरे के ऊपर फिट कीजिए, फिर इसको धागे के साथ बांध दीजिए। इसके बाद इसमें हवा फूंकिए, देखिए क्या होता है। गुब्बारे का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही हमने जहां से नली से हवा फूंकी जी, वह हवा गुब्बारे के अंदर चली गई और उस हवा ने इस गुब्बारे को फैला दिया। ये देखिए, अब हवा चली गई और गुब्बारा अपनी पहले जैसी स्थिति में फिर आ गया। तो देखा आपने किस तरह से हमने पहले इस नली में हवा भरी और गुब्बारा पूरी तरह से फूल गया, और जैसे ही हमने इसमें से हवा छोड़ी गुब्बारा वापस अपनी स्थिति में आ गया। गुब्बारे को इस्तेमाल करते हुए हम और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, मैं एक और प्रयोग दिखाता हूँ जिससे यह सिद्ध होता है हवा का भार होता है। इसके लिए हम एक स्टैंड लेंगे और इस स्टैंड के साथ एक छोटी लकड़ी की छड़ी बांधेंगे और फिर हम दो गुब्बारे लेते हैं और इन गुब्बारों को इस छड़ी के दोनों सिरों पर बांधेंगे। इस प्रकार क्या गुब्बारों का आकार और वजन एक समान होना चाहिए? बिल्कुल, दोनों जो हमारी ये लकड़ी की छड़ी है जी, ये संतुलित कंडीशन में होनी चाहिए जी। इस प्रकार थोड़ा और कीजिए। बिल्कुल सही। फिर एक टेप लीजिए, एक टेप का पीस काटिए और उसे किसी भी एक
गुब्बारे के ऊपर लगा दीजिए। हम टेप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाँ, टेप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हम इस गुब्बारे में से हवा निकालेंगे जी, तो गुब्बारा एकदम फट ना जाए। जब हम इसमें हवा निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल करेंगे जी। ये देखिए, मैं इस गुब्बारे में एक छेद कर रहा हूँ सुई के साथ। इसमें से हवा बाहर आना शुरू कर देते हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका दूसरा छोर नीचे की तरफ झुक रहा है। बिल्कुल, देखिए इस गुब्बारे में से हवा बाहर आ जाती है। ऐसा होने से यह गुब्बारा हल्का हो जाता है जी, जबकि दूसरे गुब्बारे में हवा वैसी की वैसी है जी। इसलिए ये लकड़ी की डंडी भरे हुए गुब्बारे की तरफ झुक जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हवा में भार होता है। तो देखा कितना आसान है इस गुब्बारे की मदद से ये पता लगाना कि हवा में भी वजन होता है। आइए जाने और कि हवा के और क्या क्या गुण होते हैं। अब आप हमें कौन सा प्रयोग दिखाने जा रहे हैं? हाँ, अब मैं आपको एक और प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ जिससे यह सिद्ध होता है कि हवा गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इसके लिए एक फ्यूज्ड बल्ब लीजिए, फिर उसके अंदर का फिलामेंट का हिस्सा बाहर निकाल दीजिए। ध्यान रहे ऐसा करते हुए बल्ब ना टूटे जी, तथा आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, मैं पहले से ही अपने साथ एक ऐसा बल्ब लाया हूं जिसमें से फिलामेंट का हिस्सा बाहर निकाल दिया गया है। रवि, इसे पकड़िए, लाइए। अब मैं इसके ऊपर एक गुब्बारा फिट करता हूं। एक स्टैंड लीजिए, इसके ऊपर इस बल्ब को रख दीजिए इस प्रकार। अब इसे स्पिरिट लैंप के ऊपर, अगर स्पिरिट लैंप ना हो तो हम इसे मोमबत्ती से भी कर सकते हैं जी। गुब्बारा तो पूरी तरह से उठ गया। हाँ, जैसे ही इस बल्ब के अंदर भरी हुई हवा गर्म हुई जी, और गर्म होने से फैल गई जी, और गुब्बारा फूल गया। अब देखिए क्या होता है। हवा सिकुड़ रही है। हाँ, और गुब्बारा अपनी स्थान पे वापस जा रहा है। यह देखिए कि जैसे ही हमने स्पिरिट लैंप को दूर हटाया जी, बल्ब के अंदर भरी हुई हवा सिकुड़ गई जी, और गुब्बारा अपनी पहले वाली स्थिति में फिर आ गया जी। क्या हम इसे दोबारा करके देखें? हाँ, ये मैं स्पिरिट लैंप को लाता हूँ। अंदर की हवा गर्म हुई और गुब्बारा फूल गया। बिल्कुल, अब वापस स्पिरिट लैंप को ले जाता हूँ। अंदर की हवा ठंडी हुई और गुब्बारा सिकुड़ गया।
तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने ये जाना कि हवा गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि हवा के प्रयोग से हम वजनदार चीजों को भी उठा सकते हैं, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। इसे मैं एक आपको बहुत ही साधारण से प्रयोग से बताता हूँ। जी ये देखिए, एक ये प्लास्टिक की नली है जी, उसके ऊपर ये गुब्बारा बांधा हुआ है जी। हम इसके ऊपर कुछ किताबें रखते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आप उठा पाएंगे। देखिए क्या होता है, अरे वाह, ये कैसे हुआ? यह हवा के दबाव के कारण होता है। जैसे ही हम गुब्बारे में हवा फूंकते हैं जी, तो हवा के दबाव के कारण वह गुब्बारा भारी चीजों को ऊपर उठा लेता है। इसे हम प्लास्टिक की थैली से भी कर सकते हैं। यह देखिए, तो प्लास्टिक की एक थैली है, इसके एक किनारे के ऊपर एक प्लास्टिक की नली को बांधा गया है। ठीक इसी तरह। बिल्कुल। मैं रखूँ इस पर? हाँ बिल्कुल, आप कीजिएगा। देखिए कितनी आसानी के साथ हवा का दबाव इन किताबों को ऊपर उठा लेता है। कुछ और वजन रख के देखता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। हाँ आप कोशिश करता हूँ। यह देखिए, जैसे जैसे हवा इस थैली में जाती है, किताबें बड़ी आसानी से ऊपर उठ जाती हैं। ऐसा हवा के दबाव के कारण होता है। वाह, ये तो बहुत ही आसान है। तो देखा आपने, गुब्बारे के प्रयोग से हमने विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों को समझा। आप भी इन प्रयोगों के द्वारा विज्ञान के इन सिद्धांतों को समझें और आनंद उठाएं।